हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है हिमांक का अवनमन, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आपने देखा होगा आइसक्रीम बेचने वाले क्या करते हैं, उस पेटी में आइस और उसमें मिला देते हैं नमक यानी NaCl। तो आपने देखा वो बर्फ शाम तक बनी रहती, मेल्ट नहीं होती जल्दी, तो उसमें क्या होता है, बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो जब कोई चीज नॉन वोलेटाइल चीज मिला देते हैं, अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, तो उससे उस पर्टिकुलर लिक्विड का या आइस का सॉलिड का क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसा कि अगर आप ध्यान से देखें इस ग्राफ में, ये सॉल्वेंट का यानी विलायक का वेपर प्रेशर है, और ये जैसे सॉल्वेंट वाटर है, वाटर में NaCl मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया, तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। अभी सॉल्वेंट वाले वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यहां पर 0°C है, और ये इसका वेपर प्रेशर है करस्पॉन्डिंग, और दो के बीच में ग्राफ खींचा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये है, और जब उसमें NaCl मिला दिया तो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट गया, और घटने पर ये यहां पर आ गया। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका है तुम्हारा, ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है, ये सॉल्वेंट का है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, अच्छा आपको बताएं व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, जैसे आइस है तो आइस का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर दोनों के इक्वल होंगे तभी चीज फ्रीज होगी। तो क्या होता है, यहां पर आइस का फ्रीजिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर कम है, और जो सॉल्यूशन बना उसका ज्यादा है, इसलिए टेम्परेचर कम किया गया जिससे उसका फ्रीजिंग होना शुरू हो जाए। तो इसलिए सॉल्यूशन तभी फ्रीज होगा जब उसका वेपर प्रेशर उस सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इसलिए याद रखना ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, और कितना डिप्रेशन होगा ये डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर, सॉलिड माने बिले की मात्रा पर। तो आपको बताएं डेल्टा TF हो गया लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वो गिविन सॉल्यूशन की मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी माने मोलैलता, बिलियन की मोलैलता की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर आप ध्यान से देखें बराबर लगाएंगे तो कांस्टेंट होगा, KF आएगा, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है, इसे कहते हैं हम अवनमन स्थिरांक, और इसी के तीन नाम है, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलल लोअरिंग कांस्टेंट, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है। तो इसमें डेल्टा TF बराबर KF, मोलैलिटी गिवन मास, मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट, कभी कभी इसमें अवाष्पशील पदार्थ का मोलर मास पूछा जाता है नॉन वोलेटाइल सॉलिड का, तो मोलर मास निकालने के लिए इसको नीचे कर देंगे तो इस तरह निकाल सकते हैं। आपको बता दें फ्रीजिंग पॉइंट जो कांस्टेंट है आपका वाटर का KF 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और बेंजीन सॉल्वेंट का 5.12 होता है। ये कैसे निकाला जाता है, ये इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, KF बराबर गैस कांस्टेंट, मोलर मास और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड जो भी है उसका फ्रीजिंग पॉइंट आइस का, ये वो जो भी ये फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये 1000 × ये हमारा फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसे आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कह सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर दें डेल्टा H, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी KF की इस फार्मूले से, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां से KF निकाल सकते हो, जैसा कि आपके सामने KF वैल्यू वाटर के केस में 1.86 है, कहां से निकल के आई, यहां से इस फार्मूले से निकल के आई। अब आपको हम बताएंगे एग्जाम्पल 2.10, आपके NCERT में 2.10 एग्जाम्पल है, उसमें क्या है सवाल लगाने, बहुत इसके सवाल बहुत ईजी होते हैं। अब जब हम बांटा फैक्टर पढ़ाएंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होंगे, वो भी बहुत ईजी है। 2.10 को सवाल को आप निकाल लीजिए आप NCERT से। तो इसमें क्या होता है लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलैलिटी, फार्मूला पता है आपको, ये फार्मूला होता है। इसमें गिविन मास कितना दिया गया, 1 ग्राम, गिविन मास दिया गया है 1 ग्राम। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, W आपको 1 ग्राम दिया गया है गिवन मास सॉल्यूट का, और सॉल्वेंट दिया 50 ग्राम, तो किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, और डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है, KF दिया गया है 5.12, क्योंकि इस सवाल में बेंजीन सॉल्वेंट है, मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास बराबर KF इंटू W डेल्टा TF कैपिटल W, वैल्यू पुट कर दीजिए तो मोलर मास निकल के आ गया 256 ग्राम पर मोल, ये हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का निकल के आ गया। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके सामने 2.9 क्वेश्चन है, 2.9 क्वेश्चन NCERT का एग्जाम्पल है, इसमें डेल्टा TF बराबर KF मोलैलिटी का फार्मूला,
अब आप इसमें देखिए क्या क्या दिया गया कि आपको डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इस सवाल में बड़े ध्यान समझिए, इसमें 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल 600 ग्राम वाटर में डाल के सोल्यूशन बनाया गया, उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो पहले डिप्रेशन आप फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लीजिए, 1.86 वाटर का केएफ होता है, गिवन मास दिया गया एथिलीन ग्लाइकोल का 45 ग्राम, मोलर मास एथिलीन ग्लाइकोल का होता है 62, और ये 600 ग्राम क्या दिया, 600 ग्राम सॉल्वेंट का मास दिया, किलोग्राम बदलने के लिए 1000 डिवाइड कर देंगे, डेल्टा टीएफ आ गया, ये आया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपको पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 273.15, उसमें मिला दिया सॉल्यूट 45 ग्राम, तब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना निकल के आया, 2.2 घटा दीजिए तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकल के आ गया 270.95 केल्विन, 270.95 केल्विन। तो इस तरीके से ये हमारा आज का क्वेश्चन था, और आज हमारा टॉपिक था लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, कैसा लगा कमेंट्स करिए, थैंक यू।